न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क। अगर आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मालक में दो वाहनों के बीच टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत। मामूली विवाद में माँ को मार डाला। युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मालदा में दो वाहन के बीच टक्कर होने से 6 लोगों की हुई मौत। मालदा में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में गौर रेलवे स्टेशन के निकट एक वाहन के ट्रक से टकराने से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति घायल हो गया। यह दुर्घटना शनिवार आधी रात को राष्ट्रीय राजमार्ग 12 बजे के आसपास हुई। कार्यालय के मालदा शहर आ रहा था, इसके चलते हुए पुलिस ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकारी और पुलिस ने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को निकाला तथा 2 अन्य घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने बताया यह सभी लोग मालदा जिले के कारियला चौक ब्लॉक के अलीपुर से आए थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मामूली विवाद में मां को उतारा मौत के घाट। बिहार में मधुबन जिले के गोपालपुर गांव में रविवार की सुबह मां से हुए मामूली विवाद के बाद बेटे ने कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और थानेदार से कहने लगा कि मैंने अपनी मां की हत्या कर दी। थानेदार जितेंद्र सहानी को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने चौकीदार को मौका ए वारदात पे भेजा। चौकीदार ने थानेदार को बताया कि बुजुर्ग महिला की कुदाल से काट कर हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लालू बाऊ को गिरफ्तार किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। नोएडा के एक युवक ने अपनी बहन को जीजा के सामने ओखला बैराज में यमुना नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार की है, जब दिल्ली के अलीगांव निवासी दीपक चौहान ने यमुना नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही गोताखोरों की मदद से उसका शव गुरुवार को बाहर निकाला गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पे देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब तो शायद दर्शकों ब्रेक। अब ब्रेक स्लॉट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।